अगर बात किया जाए तो दुनिया के सबसे अगर खत्म रोड है, दुनिया के पूरे भारत की बात करें तो सबसे खत्म रोड आपको यह रोड मिलेगा, सबसे खतरनाक रोड तो यही रोड मिलेगा। क्योंकि देखिए किस प्रकार से अपने जान को हथेली पर रख करके वह ऑटो ड्राइवर उस ऑटो को लेकर के आ रहा है और उसमें बैठे यात्री जो होंगे उनकी भी जान हलक में होगी। हालांकि ऑटो वाले भैया हैं और इनसे बातचीत करते हैं कितनी दिक्कतें होती है इस रोड में आने और जाने में। आइए आइएगा विकास, जरा इनसे बात करते हैं। अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? मोटीपुर जा रहे हैं। अच्छा, इस रोड में आ रहे हैं जा रहे हैं, दिक्कतें नहीं हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत है, शरीर से ज्यादा गाड़ी बर्बाद हो रहा है इस रोड पर जी। अरे कहा बताया, कितना सात आठ साल हो गए रोड को बने हुए, पैदल आदमी चलने नहीं सकता है जी। इस रोड इतना खराब हो गया है कि पैदल आदमी चलने नहीं सकता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज पटेल, आप एचडी न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिला के बरुराज विधानसभा के एक ऐसे रोड पे हैं जो कि यह रोड वर्षों से इसी प्रकार से है और यहां पे न जाने कितना हादसा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी यहां के शासन प्रशासन और माननीय विधायक का नींद खुलने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं बगल में गाड़ियाँ जाती है आती है और यहाँ पे दो दो स्कूल है, एक राजकीयकृत शिव पर्सन एकेडमी हरदी जो कि हाई स्कूल के नाम से है और एक यहाँ मिडिल स्कूल है। बगल में स्टेट हाईवे है, जरा दिखाइएगा विकास, वहाँ पे स्टेट हाईवे है, वहाँ से यह रोड हरदी बाजार होते हुए जो कि देवरिया की तरफ निकलती है, लेकिन यहाँ से जब आप निकलिएगा स्टेट हाईवे से तो यहाँ से 2 किलोमीटर तक आपको इसी प्रकार के रोड मिलेंगे। जबकि बिहार में दावा किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि हमने रोडों का जाल बिछा दिया है, अब वह दावा कहीं ना कहीं उनका दावा फेल नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इस रोड के लिए हमने लगातार रिपोर्टिंग किया है, जबकि माननीय विधायक से भी बातचीत हुआ और माननीय विधायक ने कहा कि इस रोड को कर दिया गया है, बहुत ही जल्द इसको बनने वाला है, लेकिन अभी तक यह रोड नहीं बन पाया है और इस रोड पे आए दिन लगातार हादसा होते जा रही है। जब बारिश आती है गड्ढे में पानी हो जाते हैं और पानी में लोग गिरते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और आप देख सकते हैं स्टेट हाईवे के बगल से जो रोड जाती है हरदी बाजार की तरफ की क्या स्थिति है। और माननीय विधायक जी, आपके कान पे जू रेंग रही है, लेकिन अभी तक आपको शायद इस रोड के बारे में जानकारी न हो तो मैं फिर से बता दूं कि यह वही रोड है जो कि स्टेट हाईवे 86 से हरदी बाजार होते हुए देवरिया के तरफ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, यानी कि दिक्कतें कहाँ हो रही है ताकि यह रोड नहीं बन पा रही है। जबकि आगे जाइएगा विकास तो वहाँ पे और यानी कि इसकी स्थिति और खतरनाक आपको मिलेगी। जबकि इस रोड से जब ऑटो वाले आते हैं यात्रियों को लेकर के तो उस समय ना यात्रियों का कहीं ना कहीं जो कि जान होती है वह हथेली पे होती है, हो सकता है कहीं वह ऑटो पलट जाए। और बड़ा हादसा है क्या, ट्रक पलट गया था वहाँ पे? कहाँ पे? वहीं पे। अरे बाप रे, तीन पड़िया पे ट्रक पलट जाता है। तुम लोग यहीं के हो? हाँ यहीं के। कहाँ घर हुआ? रसूलपुर। अच्छा, बगल में गांव है रसूलपुर, वहाँ घर हुआ। देखिए यह स्थिति है, एक वहाँ से शायद बाइक वाले आ रहे हैं, उन बाइक वाले से भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और रुकिएगा भैया, रुकिएगा। अच्छा, ये रोड जो है, इस रोड के बारे में क्या कहना है, ये रोड बनाना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितना दिक्कत होता है आने जाने में आप लोगों को? बहुत, काफी ज्यादा दिक्कत। काफी ज्यादा दिक्कत, खतरा उतरा नहीं होता है जब इस रोड से आते जाते हैं तो? खतरा होबे करेगा, कैसे नहीं होगा। देखिए अगर बात किया जाए तो दुनिया के सबसे अगर खत्म रोड है, दुनिया के पूरे भारत की बात करें तो सबसे खत्म रोड आपको यह रोड मिलेगा, सबसे खतरनाक रोड तो यही रोड मिलेगा। क्योंकि इस रोड को लगभग यहाँ के स्थानीय सांसद इसी रोड पे चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत जाती है। यहाँ के स्थानीय विधायक इसी रोड पे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं। यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी लोग इस रोड पे राजनीति करते हैं और राजनीति करने के बाद चुनाव जीत के चले जाते हैं। बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम विधायक बनेंगे तो इस रोड को बनवाएंगे, और सरकार भी बनती है, विधायक बन जाते हैं, लेकिन यह रोड जस के तस हो जाता है, रोड नहीं बन पाता है। कहीं ना कहीं तस्वीरें काफी चिंताजनक है और यहां के माननीय विधायक जी जो कि लगातार उनको इस रोड से अवगत कराया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसा रोड है जिसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है, इस रोड को बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन माननीय विधायक के कान में अभी भी जू रेंग रहा है और शायद उनकी मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वह इस रोड को बनाने में असमर्थता जताते हैं। हालांकि माननीय विधायक की गाड़ी भी इसी रोड से जाती है हरदी बाजार।
फिर भी, लेकिन माननीय विधायक जी तो क्या बोलते हैं फॉर्चूनर पर चढ़ते हैं, इसलिए इस रोड पर आने जाने में उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है इस कारण से। लेकिन जो ऑटो से जाने वाले लोग हैं, मोटरसाइकिल से जाने वाले लोग हैं, छोटे छोटे गाड़ियाँ से जाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। एक और चाचा जी आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा जी रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, जब इस रोड से आते जाते हैं आप लोग को दिक्कत नहीं होती है? इतना खतरनाक रोड है, दिक्कत तो हो ही रहा है। रोड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या अब यहाँ के नेता लोग नु जाने की? ऐसा रोड देखे थे इससे पहले? ऐसा रोड था लेकिन अभी बहुत दिन पहले था, 10-15 साल पहले। मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि हम तो रोड के जाल बिछा दिए हैं। नहीं नहीं ऐसा था, अभी बहुत रोड है, ऐसा ऐसा बहुत रोड है, लेकिन यह रोड बनाना चाहिए। चलिए, चाचा जी भी बता रहे हैं कि रोड बनाना चाहिए, हालांकि रोड बनाने के लिए शायद सरकार के पास पैसा नहीं है या विधायक जी नहीं चाह रहे कि यह रोड बने। अब कहाँ क्या दिक्कत है यहाँ के माननीय विधायक जी बताएंगे। हालांकि स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, और पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, फिर भी विधायक जी के कान में जो जू रेंग रहा है शायद नहीं रेंग पा रहा है। दिखाइएगा विकास, बगल में एक ऑटो आ रही है और ऑटो देखिए उसी रोड से आ रही है, वह हरदी बाजार से आ रही है। वह हरदी बाजार से स्टेट हाईवे होते हुए या मोतीपुर जाएगी या सरैया जाएगी, लेकिन देखिएगा किस प्रकार से ऑटो वाले को कितना दिक्कतें होती है और कितनी परेशानियां होती है इस रोड से गुजरने में। देखिए किस प्रकार से अपने जान को हथेली पर रख करके वह ऑटो ड्राइवर उस ऑटो को लेकर के आ रहा है, और उसमें बैठे यात्री जो होंगे उनकी भी जान हलक में होगी, वो भी यानी कि कहीं ना कहीं वो भी सोचते होंगे कि कहीं ऑटो पलटी तो शायद मेरी जान चली जाएगी। हालांकि ऑटो वाले भैया हैं और इनसे बातचीत करते हैं कितनी दिक्कतें होती है इस रोड में आने और जाने में। आइए आइएगा विकास, जरा इनसे बात करते हैं। अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? मोतीपुर जा रहे हैं। अच्छा, इस रोड में आ रहे हैं जा रहे हैं, दिक्कतें नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, शरीर से ज़्यादा तो गाड़ी बर्बाद हो रहा है इस रोड पर जी। अरे कहाँ बताया, कितना 7-8 साल हो गए रोड को बने हुए, पैदल आदमी चलने नहीं सकता है जी। इस रोड इतना खराब हो गया है कि पैदल आदमी चलने नहीं सकता है। ये रोड बनाना चाहिए कि नहीं? एकदम बनना चाहिए, बहुत तकलीफ है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये रोड को बनाना जी। देरियाई तक दिक्कत है। देखिए जो यहाँ के ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, उनका भी मानना है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, जान हलक में होती है जब इस रोड पे हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। और किस प्रकार से बता रहे हैं आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग इस रोड से आते और जाते हैं। लेकिन माननीय विधायक जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो कृपया इस रोड के बारे में सोचें और इस रोड को पुनः बनवाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वह रोड में चलने वाले ऑटो गाड़ियाँ, जो अदर गाड़ियाँ हैं, उनको कितना दिक्कतें होती है और कितने परेशानियाँ होती है, और परेशानियाँ के साथ साथ उसमें बैठे यात्री की भी जान हलक में होती है, और उनको भी लगता है कि कभी भी ऑटो पलट सकती है और मेरी जान दो रुपया में मेरी जान भी जा सकती है।